हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड एक्टिविटीज कॉर्नर। मैं दीप्ति सक्सेना आपके अपने चैनल पे फिर से स्वागत करती हूँ। चलिए बात करते हैं आज ऑक्सीजन की। इससे पहले मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपको बताया था, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऑक्सीजन के बारे में। तो चलिए क्लास को पूरी देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। फर्स्टली ऑक्सीजन, ठीक है, मैंने इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है O2। क्या होता है? O2। नेक्स्ट, ऑक्सीजन या प्राणवायु। भाई आप जानते हैं कि ऑक्सीजन हर सजीव चीज के लिए, यानी कि जिसके अंदर जान होती है उसके लिए प्राणवायु का वर्क करती है। ये रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस होती है। दैट मीन्स इसके ये जो गैस होती है, एक तो टेस्टलेस होती है, राइट, उसके बाद स्मेलरेस होती है एंड कलरलेस होती है। इसमें ये तीनों चीजें नहीं होती है। तो देखा, एक क्वेश्चन इसमें बना कि ऑक्सीजन किस प्रकार की गैस है, तो स्मेललेस, टेस्टलेस एंड कलरलेस। नेक्स्ट, ऑक्सीजन पृथ्वी के अनेक पदार्थों में रहती है जैसे पानी, और वास्तव में अन्य तत्वों की तुलना में इसकी मात्रा सबसे अधिक है। आप लोग पहले से ही जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में, ठीक है, उसका एक महत्वपूर्ण रोल है, और जो उसकी क्वांटिटी है यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। अब आगे, आयतन के अनुसार उसका पांचवा भाग होता है। दैट मीन्स आयतन के हिसाब से इसका जो नंबर होता है, इसका जो भाग होता है वो पांचवा होता है। एक क्वेश्चन और बना कि आयतन के अनुसार ऑक्सीजन का कितना भाग होता है, तो कौन सा होता है? पांचवा भाग होता है। वायुमंडल में इसकी मात्रा 20.95% होती है। कितने परसेंट? 20.95%। देखा, सबसे ज़्यादा मात्रा ऑक्सीजन की होती है। ऑक्सीजन भूपट्टी पे सर्वाधिक, यानी कि हमारी जो भूपट्टी होती है उस पे लमसम कितना इसका भाग होता है? लगभग 46.6%। कितना? 46.6% होता है। अब आगे है, ऑक्सीजन पानी में थोड़ा घुलनशील है जो जलीय प्राणियों के श्वसन के लिए उपयोगी है। आप सब जानते हैं कि पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं, मछली, ठीक है, पानी का सांप, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो भाई ऑक्सीजन जो होती है वो पानी में घुलनशील होती है, जिसकी वजह से पानी में रहने वाले जीव भी ऑक्सीजन लेके अपने आप को जीवित कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ऑक्सीजन के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। ये बेसिक क्लास है आपकी, क्योंकि ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपकी सीनियर जब क्लास में आप जब आओगे, 9th में 10th में, या और भी अगर आप सीनियर क्लासेस में जाके साइंस साइड लेते हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। इसीलिए मैं आपको पॉइंट वाइज जो ये वर्क करती हैं गैसें, उनके बारे में बता रही हूँ। नेक्स्ट, कुछ तत्व ऑक्सीजन के साथ सीधा सहयोग करते हैं। दैट मीन्स ऑक्सीजन के साथ साथ में एकदम डायरेक्ट मिल जाते हैं और क्रिया करना शुरू करते हैं। उनमें से हैं जैसे फास्फोरस, सोडियम, ये ताप होते हैं ना, तो धीरे धीरे वर्क करते हैं, राइट। ऐसे और भी बहुत सारे तत्व हैं जो डायरेक्ट ही ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं। ऑक्सीजन में हाइड्रोजन गैस जलती है तथा पानी बनता है। इसका मतलब ये होता है किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है, और ऑक्सीजन में क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो जल जाती है और पानी बनने लगता है, यानी वेपर्स आने लगते हैं। आई होप सो ये छोटी सी क्लास, ठीक है, ये छोटी सी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा फॉर नोटिफिकेशन, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल जाएं और आप मेरी वीडियोस को पहले देख पाएं। चलते चलते लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, आई होप सो आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। जब तक ओके, टाटा, बाय बाय, नमस्ते।